हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें, बरकत दें। आइए एक वचन हम पढ़ते हैं, प्रेरित काम 16 अध्याय और उसका 25 वचन। हालेलुया। लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं, आधी रात के लगभग परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। क्या इनके साथ क्या होता है, इनको जेल में डाल दिया जाता है, तो ये क्या करते हैं जेल में। हालेलुया। लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। लिखा है, और कैदी इनकी सुन रहे थे। सो प्रभु के लोगों, इनके ऊपर क्या होता है, अचानक से इनके ऊपर एक समस्या आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो ये उस समस्या में, उस परेशानी में ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं। और आज के समय हमें, हम क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, आराधना की बजाय, प्रार्थना की बजाय परमेश्वर के सामने बुड़बड़ाना चालू करते हैं, परमेश्वर को उल्टा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, प्रभु ये तूने क्या कर दिया हमारे ऊपर, ऐसी विपत्ति, ऐसी समस्या क्यों आ गई, ऐसी परेशानी क्यों आई। अचानक आने वाली विपत्ति से घबराए नहीं। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, ये क्या कर रहे हैं पौलुस और सिलास, क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इनको नहीं पता था अभी इनके ऊपर इतनी समस्या, इतनी बड़ी समस्या कैसे आ जाएगी, इनको नहीं पता था, क्योंकि इनके ऊपर अचानक वो समस्या आई, वो परेशानी आई कि इनको चक्कर जेल में डाल दिया। जैसे ही इन्हें जेल में डाला, ये परमेश्वर की आराधना करने लगे, परमेश्वर की प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे, बुड़बुड़ाए नहीं। आज के समय में हम जितने भी मसीह लोग हैं, थोड़ी सी समस्या आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, हम बुड़बुड़ाना चालू कर देते हैं, परमेश्वर को गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं, परमेश्वर ये तूने क्या किया, परमेश्वर को समझाना स्टार्ट कर देते हैं, प्रभु ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं आपको ऐसा करना चाहिए था, अपने परमेश्वर को समझाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, इनके ऊपर समस्या आई, परेशानी आई, ये परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गीत भजन गा रहे हैं, मगन है परमेश्वर में। और आज के समय में हम प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, आराधना करनी बंद कर देते हैं, चर्च में जाना बंद कर देते हैं। सो हमें ऐसा नहीं करना, पौलुस और सिलास की तरह प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है। हालेलुया। हालेलुया। सो आगे लिखा है 26 वचन, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, जब वो पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, सो परमेश्वर ने वहाँ क्या किया, चमत्कार किया। हालेलुया। अगर जब आप भी प्रभु को पुकारेंगे मुश्किल में, समस्या में, परमेश्वर को आप पुकारेंगे, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर भी चमत्कार करेंगे, जैसे पौलुस और सिलास के ऊपर चमत्कार किया, उनके दरवाजों को खोल दिया, बंधन तोड़ दिया परमेश्वर ने, दरवाजे तोड़ दिया परमेश्वर ने, आज प्रभु यीशु मसीह आपके बंद दरवाजों को खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। जो काम को लेकर जो आपके दरवाजे बंद है, प्रभु यीशु मसीह आपके उन दरवाजों को भी खोलने जा रहे हैं। काफी समय हो गया जो आप काम पर नहीं जा रहे, काम नहीं मिल रहा, काम नहीं चल रहा, प्रभु यीशु मसीह वो बंद दरवाजों को खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। आपका मकान नहीं बन रहा, वो भी दरवाजे बंद है, परमेश्वर उन दरवाजों को भी खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। लिखा है, आज प्रभु यीशु मसीह आपके हर प्रकार के बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं, बीमारी के बंधनों को परमेश्वर तोड़ने जा रहे हैं, आपके परेशानियों के बंधन को परमेश्वर तोड़ने जा रहे हैं, घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है उसके बंधन परमेश्वर तोड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर के साथ चलते रहना है, बुड़बुड़ाना नहीं है। जिस तरीके से पौलुस और सिलास परमेश्वर के साथ बने रहे, आराधना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, संकट इनके ऊपर भी आया, मुश्किल इनके ऊपर भी आई, लेकिन ये बुड़बड़ाए नहीं, परमेश्वर को ये समझाने नहीं लगे, प्रभु तूने ये क्या कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ये तूने क्या किया, आओ हम तो आपके सेवक हैं, अभी आपने हमें, हमारे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि ये आराधना करते रहे,
परमेश्वर की महिमा करते रहे। आपको भी आराधना करनी है, परमेश्वर की महिमा करते रहना है। हालेलुया। 27 वचन पढ़ेंगे, लिखा है, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। जैसे उसे पता चलता है कि वो समझता है कि कैदी भाग चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वहां चमत्कार किया, उनके सारे बेड़ियां तोड़ दी, बंधन तोड़ दिया परमेश्वर ने। जब उसे लगा भी कैदी भाग गया, वो क्या करता है, अपनी तलवार लेके अपने आप को मार डालना चाहता है। और वहां लिखा है, पौलुस ने ऊंचे शब्द से उसको पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। 29 वचन लिखा है, तब वह दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हालेलुया। सो देखो क्या होता है यहाँ पर, चमत्कार, कितना बड़ा परमेश्वर ने चमत्कार किया। पौलुस और सिलास के आगे वो जो जेलर होता है उनके पैरों को आगे गिर पड़ता है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ऐसा आपके साथ भी करेंगे। जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपकी समस्या है, परमेश्वर उसको आपके पैरों के आगे घेर देंगे। हालेलुया। जो आपकी मुश्किलें हैं, परमेश्वर आपके पैरों को आगे घेर देंगे। आप सोचते हैं ये इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी मुश्किल, हम कैसे पार करेंगे। जब अपने परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, परमेश्वर को पुकारते रहेंगे, तो परमेश्वर उस मुश्किलों को, उन परेशानियों को आपके पैरों को आगे घेर देंगे। हालेलुया। जिस तरीके से पौलुस और सिलास के आगे परमेश्वर ने क्या किया, जेलर को उनके पैरों के आगे झुका दिया, इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो है आपकी हर प्रकार की समस्या, परेशानी, मुश्किल, जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, आपके पैरों के आगे घेर देंगे। हालेलुया। अब आपको डिसाइड ये करना है कि आप उसको अपने पैरों के नीचे दबवाना चाहते हैं या अपने सर के ऊपर लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो हमारे पैरों के नीचे रहे, तो परमेश्वर को याद करते रहिए, परमेश्वर को पुकारते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। तो क्या होता है, पौलुस और सिलास के पैरों के आगे गिरता है। आगे लिखा है, 30 वचन में लिखा है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। 31 वचन में लिखा है, उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना क्या करेगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, आपको भी क्या करना है, आपको भी क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जिस तरीके से इस यहां पर लिखा हुआ है, पौलुस और सिलास के पैरों के आगे वो क्या करता है, गिर जाता है, धन्यवाद कर देता है और कहता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। सो लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर, विश्वास कर, तू और तेरा घराना क्या करेगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, जिस तरीके से इन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आज आपको भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके बंद दरवाजों को खोल देंगे। हालेलुया। जो आपके घर में समस्या चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, परेशानी चल रही है, बीमारी चल रही है, काम काज नहीं चल रहा, प्रभु यीशु मसीह इन सब बंद दरवाजों को खोल देंगे आपके लिए। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जिस तरीके से सूबेदार ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने देरी नहीं लगाई। 33 वचन में लिखा है, उन्होंने तुरंत बपतिस्मा लिया, देरी नहीं लगाई। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, तुरंत बपतिस्मा लिया। जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानने, प्रभु यीशु मसीह को पहचान गए, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत बपतिस्मा लिया। उन्होंने कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना क्या करेगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज आपको भी क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है, विश्वास करना है। जब बाप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके रास्तों को खोल देंगे। जो आपके रास्ते बंद हो चुके हैं, शैतान ने आपके रास्ते बंद कर दिए हैं, वो परमेश्वर रास्ते खोल देंगे। हालेलुया। जो आपकी समस्या लगातार चलती आ रही है, सालों साल वो समस्या चलती आ रही है, परेशानी चलती आ रही है, बीमारी चलती आ रही है, आज प्रभु यीशु मसीह उन समस्याओं को, उन परेशानियों को, उन बीमारियों को खत्म कर देंगे। हालेलुया। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह वो रास्तों को खोल देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है, विश्वास करना है।
इन्होंने देरी नहीं की, उसी समय खड़े हुए, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को पहचानना, तुरंत बपतिस्मा लिया। आज प्रभु यीशु मसीह पर आपको भी विश्वास करना है। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? आपको विश्वास करना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर के साथ चलते रहना है। हालेलुया। ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको सारी आशीषें दे सके, बुड़बड़ाए नहीं। हालेलुया। कोई भी अगर आपके ऊपर समस्या आती है, परेशानी आती है, तो बुड़बड़ाए नहीं। कोई आपके केस लगातार लंबे समय से चलते आ रहे हैं, उस केस को लेकर बुड़बड़ाए नहीं, इंतजार कीजिए, परमेश्वर के जवाब का इंतजार कीजिए। परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देंगे, लेकिन आपको धीरज रखना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है। देखो ऐसा होता है, जैसे ही अपने पास हम परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु हमें आशीष दे, हमें इस समस्या से दूर, हमें इस समस्या से बाहर निकाल, हमें इस बीमारी से बाहर निकाल, हम व्रत रख के प्रार्थना करते हैं, व्रत रख के प्रार्थना करते हैं, व्रत रख के प्रार्थना कर ही जाते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर की। जैसे ही परमेश्वर ऊपर से आशीष भेजने वाला होता है, जैसे ही अपने को मिलने वाली होती है, अभी तक परमेश्वर ने हमें हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, वापिस चली जाती है आशीष। इंतजार कीजिए, परमेश्वर आपका जरूर ब्लेस करेंगे। ऐसा ना हो कि जैसे ही आशीष मिलने वाली हो, आप बुड़बुड़ाना स्टार्ट कर दें, वो जो आशीष है वो वापिस चली जाए। बुड़बुड़ाए नहीं, परमेश्वर के साथ चलते रहे, परमेश्वर के साथ बने रहे। परमेश्वर हर प्रकार की समस्या से, हर प्रकार की बीमारी से आपको बचा के रखेंगे। जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, मुश्किलें क्यों ना हो, कि जितने बड़े मर्जी केस क्यों ना हो, परमेश्वर आपके पैरों के आगे झुका देंगे उसको, आपके पैरों के नीचे दे देंगे। हालेलुया। ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप पैरों के नीचे रखना चाहते हैं या अपने ऊपर लेना चाहते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ बने रहना है। सो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें, आपको बरकत दें। आमीन।